अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातु। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और डाटा फीड कर रहे हैं। मुझे पता है कि डाटा जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा वेबसाइट के ऊपर लोड है और जिसकी वजह से डाटा फीड करने में इशू आ रहे हैं और बहुत सारे दोस्तों का डाटा लॉक भी हो गया है। तो उनको मैं कहूँगा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही सर्वर जो है वो सेट होगा आपका डाटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंस आ रही हैं कि उनका डाटा लॉक हो चुका है। दरअसल अपडेट होती रहती है, वेबसाइट अपडेट होती रहती है या इसके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है तो वो एरर करने लग जाता है। चलें, ये तो एक जनरल बात थी। अब आ जाते हैं कि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या है। बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन था और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर्विस का जो हमने फीडिंग है वो कैसे करनी है। तो सर्विस की फीडिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, उसको थोड़ा सा अगर हम समझे तो वो हमें समझ आ जाती है। जो 2017 में आए हैं, 2018 में आए हैं, उनके लिए तो बहुत इजी है क्योंकि 2017 वालों की 3 एंट्रीज बन रही हैं और 2018 वालों की 2 एंट्रीज बन रही है, वो तो बिल्कुल सिंपल है, वो तो आराम से हो जाएगा। अब आती है कि जिन लोगों के बहुत ज़्यादा सर्विस होगी है वो अपना डाटा किस तरह फीड करेंगे। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस में ये कहा गया है कि आपने ईयर वाइज अपनी एंट्री करनी है सर्विस की। तो अगर एक पर्सन की सर्विस 25 साल है, इसका मतलब है वो 25 दफ़ा अपनी एंट्री करेगा, अपना डाटा 25 बार जो है वो हर साल के हिसाब से अपनी एंट्री करेगा। जैसा कि आप सामने स्क्रीन में देख सकते हैं, एक ऐसे कैंडिडेट का डाटा है जिसकी ज्वाइनिंग 2012 की है। अब 2012 की ज्वाइनिंग का मतलब ये है कि उसने 2012 से लेकर 2019 तक का डाटा ईयर वाइज फीड करना है और अगर उसके अंदर उसका ट्रांसफर हो चुका है तो वो फिर प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि अगर आप डाटा फीड कर रहे हैं और आपकी बहुत ज्यादा सर्विस है तो आपने ईयर वाइज कैसे फीड करनी है, और दूसरी बात ये कि अगर आपका ट्रांसफर हो चुका है तो ट्रांसफर वाला डाटा आपने कैसे फीड करना है। ये जो मैं केस आपके सामने जो है प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ये भी ऐसा केस है जिसकी सर्विस 2012 से 2019 तक है और इसका एक स्कूल से दूसरे स्कूल पे ट्रांसफर भी हो चुका है। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि पहली रो के अंदर जो डाटा फीड है यहाँ पे ईयर में, क्योंकि इसकी जो ज्वाइनिंग है वो 2012 की है, 2000 ईयर में हमने सेलेक्ट किया 2012, उसका सर्विस का साल कौन सा था, यानी कि जॉब में आए उसे कितने साल हो गए, तो वो पहला साल था, उसकी डेजिग्नेशन क्या थी, ESC थी, और उसकी जो अपॉइंटमेंट थी मतलब कि जो आर्डर के ऊपर आपकी डेट लिखी हुई है, जो ज्वाइनिंग आपको आपने जिस डेट को किया ये वो वाली डेट है, और वो कब तक है वो उस साल के एंड तक, क्योंकि ये सिर्फ 2012 का हमने डाटा फीड किया तो 2012 एंड कब हो रहा है, 31/12/2012 को। और स्केल क्या था, 9, आगे आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करनी है, और जब तहसील सेलेक्ट कर लेंगे तो स्कूल का नेम उस तहसील में आ जाएगा, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने दोबारा से ऐड का बटन प्रेस करना है और ईयर में 2013 सेलेक्ट करना है, आगे आपने टू सर्विस का सेलेक्ट करना है और सेम आपने डेजिग्नेशन लिखनी है, और ये जो पोस्ट फ्रॉम होगा ये उस 2013 का पहला दिन होगा, यानी कि जनवरी की पहली डेट, और इसको क्लोज कहाँ पे करना है, हमने आखिरी डेट यानी कि पोस्ट टू वो 2013 की आखिरी डेट होगी। ये उस केस में होगा कि अगर आपका ट्रांसफर नहीं होता एक स्कूल से दूसरे स्कूल में। बाकी आपने स्केल वैसे ही आपने देख लेना है, आपका स्केल कौन सा था उस साल में, आपका डे जो है स्कूल कौन सा था वो आपने कर लेना है। तो ये सारा डेटा आप देख रहे हैं, मैंने ऐसे ही फीड किया, 2014 का भी मैंने ऐसे ही फीड किया। अब 15 का आप देख सकते हैं, यहाँ पे 15 की मैंने 2 एंट्रीज की हुई है। यहाँ 2 एंट्रीज करने का पर्पस क्या है, क्योंकि 2015 में इस कैंडिडेट का स्कूल से ट्रांसफर हो चुका था। अब आप ऊपर देख सकते हैं कि ये तीनों जो हैं 3 साल में ये एक ही स्कूल में काम करता रहा है, तो तीनों में सेम जो है वो डाटा फीड हुआ, सेम स्कूल सेलेक्ट किया गया। अब नेक्स्ट आप देखें, 3 साल बाद इसकी जो पोस्ट थी वो आप देख सकते हैं PST है। अब उसी साल का, चूंकि हमने ऊपर 31/12/2014 था, इसका मतलब वो साल खत्म हो गया, अब सर्विस का चौथा साल है और वो 2015 है, तो क्या करना है, उसके पहला दिन जो जनवरी का है
और कब तक, जब तक उसका ट्रांसफर नहीं हुआ, यानी कि 28/12/2015 तक वो इसी स्कूल में, आप देख सकते हैं ऊपर भी स्कूल का नाम देखें और ये सेम है, इस स्कूल में ये काम करता रहे 28/12/2015 को। तो ये आपने 2015 का यहां तक डाटा फीड कर लिया। नेक्स्ट जब आएंगे आप तो ये देखिए कि ये जो आपकी डेट आ रही है 2015 में आपने दो स्कूल में काम किया है, इसका मतलब है आपको दूसरे स्कूल में भी 2015 की जो है वो फीडिंग करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, फिर डाटा ऐड का ऑप्शन लेंगे, 2015 सेलेक्ट करेंगे। अब सर्विस का साल 2015 आपका चौथा साल है, आपने 5 नहीं करना, क्योंकि 2015 को काउंट करना है, वो आपका 4 ईयर ऑफ सर्विस है। डेजिग्नेशन सेम है। अब नेक्स्ट जो न्यू स्कूल में जब आप गए थे तो आपने किस डेट से ज्वाइनिंग दी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। अब ये आपने ध्यान रखना है, 2015 की पहली डेट आपने नहीं डालनी, बल्कि नए स्कूल की जो डेट होगी वो आपने डालनी है। और नेक्स्ट इस ईयर की जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एंड हो रहा है और वो 31/12/2015, तो आपने वो डेट डालनी है। आगे स्केल नेम, तहसील अगर चेंज हुई है या डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है तो आपने चेंज कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब स्कूल का नाम जो है वो न्यू आ चुका है। इसका मतलब है 2015 में आपने दो स्कूल के अंदर सर्विस दी थी, जितने दिन भी दी थी आपने वो वाली डेट लिखनी है। अब इसी तरह आपने 2000, अब आपने क्या करना है, अब आपने नेक्स्ट जो फीडिंग करनी है उसमें 2015 की जब आपने जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, अब उसमें आपने 2016 का डाटा फीड करना है। सर्विस ईयर आपका 5 आ जाएगा, बाकी आपका जो है वो आपने सेम ऊपर जैसे हमने ये वाला डाटा फीड किया था वो फिर आपने 2016 की जनवरी 1 से डेट आपने लेनी है, और बाकी सारा डाटा आपने सेम करना है। लेकिन याद रखना है अब आपका न्यू स्कूल का नेम ऐड होगा। तो इस तरह आप करके जितने साल आपकी सर्विस बन रही है आपने उतने साल सर्विस आपने फीड करनी है। यहाँ पे कंफ्यूजन है, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हम एक ही डेट डाल देते हैं और हम कर देते हैं यहाँ से 2012 से या 2018 तक, तो ऐसा कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है जिसमें आप कह सकें कि 2012 से 2018 तक आपने एक ही डेट सेलेक्ट कर लिया, बल्कि आपको ईयर वाइज डाटा फीड करना पड़ेगा। सो ये आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, लेकिन ये आपका चूंकि सर्विस का रिकॉर्ड बन रहा है, आपकी सर्विस बुक बन रही है, तो इसमें हर साल का डाटा फीड होगा। यहाँ पे अगर एक पर्सन की 25 साल सर्विस है, एक की 50 साल सर्विस है, तो जितने साल सर्विस है उतने साल वो अपना डाटा जो है उतने साल का डाटा वो फीड करेगा और उतनी ही इंट्रीज यहाँ पे आएंगी। सो इस बात को अब आप समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने आपको बात बताई है वो आपको समझ आ गई होगी, और इसी तरह आप अपना डाटा जो है वो फीड कर सकते हैं। और अगर कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जरूर दे दूंगा। अगर आपके माइंड में और भी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपने पे को कैसे फीड करना है और अलाउंसेस किस तरह ऐड करने हैं। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। स्टे ब्लेस, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।